डायरेक्ट किया है कि पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक और ट्रेस सिस्टम पे काम होना है। पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जी IMF ने 2015 से हमें डायरेक्ट किया है, सर इस पे वर्किंग क्यों नहीं हो रही है? भाई मैं ट्रैक एंड ट्रेस पे शुरू कर देता हूँ। ट्रैक एंड ट्रेस मिसाल के तौर पर आपको सिगरेट इंडस्ट्री की मिसाल देता हूँ। दो कंपनियां हैं, फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन पाकिस्तान टोबैको, दो कंपनियों में फुल ट्रैक एंड ट्रेस करती है, राइट? इट मेरे ख्याल से, मैं आई कुड बी बायस्ड, कि मेरे ख्याल से वैसे भी वो टैक्स एवेडर्स नहीं है, लेकिन हमने 12 उनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस कर दिया। बाकी 12 ऐसी फैक्ट्रियां थी जिन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया हमारे खिलाफ, ट्रैक एंड ट्रेस के खिलाफ, FBI के खिलाफ। लेकिन जब मैं वजीर लगाऊँ तो मैंने कोशिश की है पिशावर हाई कोर्ट में, हमारे जो जज जो वकील साहबान जाते थे उसके पैनल को चेंज किया, कुछ हमने उसमें से चीज़ें दरियाफ़ की, 12 हमने जो भी किया हमने स्टे ऑर्डर हटवा दिया। उसके बाद वो फिर गए, वो फिर जीत गए। हमने वो आज के दिन के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ बंद हैं, आज के दिन के अंदर हम उधर से क्लियर नहीं होने दे रहे थे, हम 1 महीने से फिजिकली इनको क्लियर नहीं करने दिया कि जो माल आएगा वो बिक के आएगा, और जब तक आप ट्रैक एंड ट्रेस पे एग्री नहीं करेंगे हम नहीं बिकेंगे। अब मैंने 1 परमिशन दी है कि अगर आप पूरा टैक्स दे देते हैं तो आप माल निकाल लें, और उसके बाद लेकिन ऑन द कंडीशन कि नाउ यू साइन एन एग्रीमेंट कि यू विल गो इनटू ट्रैक एंड ट्रेस। तो मैं सिगरेट इंडस्ट्री को ट्रैक एंड ट्रेस में लेकर आऊँगा बिल्कुल। दूसरी इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर को ट्रैक एंड ट्रेस पर डाला। फर्टिलाइजर जो 7 रुपये पर बैग ट्रैक एंड ट्रेस पर लगता है, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से ट्रैक एंड ट्रेस पर। मैं तो फर्टिलाइजर वाले अल्लाह की मेहरबानी से सेंट्रल के बैठे हैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, और RFI को भी नहीं बोल रहा हूँ, बाकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले बहुत सस्ती गैस देते हैं इंडियनों के अलावा। लेकिन देखिए ये जो इनके ऊपर 7 रुपये ट्रैक इंटरेस्ट लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टैक्स अवेट नहीं करते, मतलब ये यू नो वी नो दिस, ये नहीं करते। थोड़ा सा तो आदमी का समझ होनी चाहिए ना। आपको भी पता है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको या फिलिप मॉरिस जो है वो पाकिस्तान में टैक्स की चोरी इस तरह नहीं करता, लेकिन 12 चलो आपने लगा दी, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ हम ट्रैक इंटरेस पर जा सकेंगे हम जाएंगे, हमको ये फ़ायदा भी होता है जब ट्रैक एंड ट्रेस से, जैसे फर्टिलाइजर के अंदर जब स्मगल होता है तो हमको पता चल जाती है किस फैक्ट्री का माल स्मगल है, किस बैग से बना है, किस दुकान से बना है, किस मतलब ये किसी लैया के किसी आदमी ने या कोयटा के किसी आदमी ने या कराची के किसी आदमी ने स्मगल करवाने की होती है, ये पता चल जाता है। तो मतलब यू नो सो वी फाइंड एडवांटेज है। Tier 1 की शॉप जो हैं, Tier 1 की शॉप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 5,000 जब 4,000 शॉप्स कुछ हो गई थी Tier 1 की पिछले साल के एंड तक, और इस साल जो ये 5,000 हो गई थी, सॉरी 5,000 हो गई थी, और इस साल का जो प्लान है FBR का वो 11,000 शॉप्स का है कि वी विल गेट अनदर 11,000। दैट्स आटे में नमक के बराबर है, लेकिन आप ये देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट ईयर मैं इंडिविजुअल कैटेगरीज से करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने गोल्ड से बात की है, हमने 17% से उनका टैक्स 3% कर दिया। अभी हमको उनके इम्पोर्ट के ऊपर भी देखना है, क्योंकि पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओनली $5 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, इंडिया एक्सपोर्ट्स $22 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स फॉर $600 or $700 million वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। सो वी हैव टू रैशनलाइज द रिजीम सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट यू नो दोज थिंग्स। वी विल लुक एट फर्नीचर शॉप, वी विल लुक एट कार डीलर सेपरेटली, एक एक करके करूँगा सबके अलग अलग, लेकिन आई फंडामेंटली बिलीव इन फिक्स टैक्सेस, और जहाँ पर फिक्स टैक्सेस में जा सकूँगा उनको फैसिलिटी दूंगा। लेकिन Tier 1 शॉप्स विल स्टिल बी ऑन एडवर्टम बेसिस, बट 17% से अगर शॉप्स का मुझे कहीं कम करना पड़ेगा, बिकॉज कारपेट्स हैं, हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं, पीछे से कोई इनका ट्रेड नहीं होता, 17% लेना इज इम्पॉसिबल, सो वहाँ पर हम इनको रैशनलाइज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। Detailed response, and I would like to thank all our stakeholders, dignitaries and guests for taking out time and joining us here. For the media persons, thank you very much. Tea is served at the back of the hall.